कैसे हो आप? बहुत ठीक हूँ, आपको? हमेशा हम मोमोज ही खाते हैं। का जाल कितना जबरदस्त है, ये वायरों का जाल। संतापुर इधर है। नेपाली स्कूल है भाई ये बिल्डिंग। कितना अच्छा व्यू है ना। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की मार्केट में आ चुके हैं हम। कितनी देख रहे हो तारों का जाल, तारों की नगरी है ये तो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आज एक और नई वीडियो में स्वागत है आपका। पता ही है कि मैं नेपाल काठमांडू में हूँ। मेरा प्लान तो था चाइना बॉर्डर जाने का, पर मैं किसी कारण जा नहीं सकता हूँ। आज है हमारे साथ सुशीला जी। हेलो, कैसे हो आप? बहुत ठीक हूँ, आपको? सही है। और क्या नाम है आपका? सुशीला जी। सुशीला जी, काठमांडू से बिलोंग करते हो आप? हाँ, काठमांडू से। और ये स्टडी करते हैं ये? बसंतपुर। अच्छा है ना वो? हाँ, बहुत अच्छा जगह है वो। इन्होंने वो राजा किंग का रेजिडेंस है, ओल्ड किंग का। फिर उधर आपको कल्चरल ट्रेडिशनल प्लेसेस मिलेगा उधर। अच्छा, खाने के लिए टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा जगह है। आपको लोकल काठमांडू दिखेगा उधर, लोकल जो कल्चर है वो दिखेगा, लोकल वाला मिलेगा। मतलब लोकल फूड भी मिलेगा उधर, लोकल फूड्स। आपको लोकल बिजनेसेस कैसे करते हैं उधर, स्पाइसेस सब लोग सब। अच्छा, जो नेपाली लोग हैं यहाँ के लोकल, वो स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं या नॉर्मल खाने फूड में? वो पर्सन पे डिपेंड करता है। नेपाली लोग बहुत स्पाइसेस खाते हैं और बाउन लोग बहुत स्वीट्स खाते हैं। वो पर्सन में डिपेंड करता है। मैं बाउन हूँ, स्टिल आई प्रिफर स्पाइसेस। और इधर मोमोज चाउमीन भी बहुत चलता है ना? मोमोज तो हर जगह पे मिलेगा, मोमोज तो बहुत फेमस है। आपका भी फेवरेट होगा? हाँ, हम हमेशा मोमोज ही खाते हैं। हमेशा ही मोमोज खाते हो? खाना खाते नहीं हो? नहीं, हमारे कॉलेज से छुट्टी होके भी हम मोमोज ही खाते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय। ये है काठमांडू का ट्रैफिक, देखिए कितना ट्रैफिक काठमांडू में। बच्चों की छुट्टी हुई है क्या? ये क्या टाइम है? 3 बजे बच्चों की छुट्टी हुई है स्कूल की। देख रहे हो सड़क, नेपाल की राजधानी की सड़कें हैं ये। एक आपको नेपाल की कुछ खासियत चीज दिखाऊं, ये देखो तार, देखो तार दिख रही है, तार कितनी नजदीक है। ये वायर का जाल कितना जबरदस्त है, ये वायरों का जाल इतना भयंकर तो इंडिया में भी नहीं होता भाई। देख रहे हो क्या जबरदस्त है। और बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही है, बिल्कुल मतलब
सर लग जाएगा आपका, देखो जा। क्या पता यार किसकी केबल है, शायद केबल जो घर में टीवी की केबल होगी, ये टीवी की जो पीछे चलती है ना, डिश वगैरह नहीं है इधर इतनी, है ना। हाँ डिश तो है ही नहीं इधर, देखो अभी भी बड़े बड़े छतरे से चल रहे हैं भाई, देख रहा है ना आपको ऊपर वाला जाल। ऑटो वाले ने छोड़ दिया यहाँ पर, देखिए बसंतापुर इधर है। अभी थोड़ा लग रहा है कि प्रॉपर नेपाल में आ गए हैं, क्योंकि लोकल जो है लोकल पब्लिक वो दिखने लगी है, लोकल मार्केट। ये भाई ये क्या है गेट का, ड्रैगन ये है लोकल मार्केट, प्रॉपर हम सेंटर में है अभी। ये सेंटर पॉइंट कह सकते हैं हम इसका, नेपाल का सेंटर पॉइंट है। काफ़ी सारी मार्केट है यहाँ पर, हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी इधर, है ना। ये है भाई अभी लग रहा है कि प्रॉपर नेपाल, ये देखो ना ओल्ड बिल्डिंग, इतनी पुरानी बिल्डिंग है ना, उधर तो लग ही नहीं रहा था। वो शायद हो सकता है थोड़ा सा आउटर पे होगा, ये सेंटर पॉइंट इसको बोला जाता है, सेंटर पॉइंट। इस रोड को बोलते हैं न्यू रोड, अभी हम चल रहे हैं न्यू रोड पे, ये सारा न्यू रोड है, अभी देख सकते हैं। इंडिया ही तो सपोर्ट कर रहा है नेपाल को फुल, इतना सारा रेलवे ट्रैक इंडिया ने बिछाया, इंडिया ने ट्रेन बना कर दी नेपाल को गिफ्ट में। जूली शॉप बहुत है इधर यार, पता नहीं क्या बात है, सस्ता है क्या किसी में, बहुत ज़्यादा जरूरी है इधर। भाई ये है चंडीगढ़ का, जैसे हम बोलते हैं ना चंडीगढ़ का सतारा सेक्टर, पोश एरिया, ये काठमांडू का पोश एरिया है। आप देख सकते हो कितने मतलब अच्छे अच्छे शोरूम, बड़ी शॉप, मतलब काफ़ी तादाद में घूमने आ रहे हैं लोग। चौक बसंतापुर काफ़ी सुंदर, मतलब पैदल ही जा सकते हैं इधर, कुछ अलाउड नहीं है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं है अलाउड। ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग, देखो ये कितना अच्छा बिल्डिंग है, मतलब बहुत पुराना बिल्डिंग है ना ये। पोश एरिया लोकल मार्केट, कितनी लोकल मार्केट है, देखते हैं क्या कुछ मिलता है इधर, दिखाते हैं। ये सभी लोकल आइटम,
लोकल आइटम है सभी ये। चलो ये लकड़ की है ना मूर्तियाँ, ये आप देख सकते हो शायद, ये तो लकड़ की है, लकड़ की है ना, ये कितनी कलाकारी कर रखी है यार, मस्त एकदम। मैंने देखा, मैंने इसको भी बोला। कितना बड़ा मार्केट है, दूर तक, काफी दूर तक मार्केट है इनका, बहुत बड़ा मार्केट है। पुरानी बिल्डिंग है देखो ना, वो देखो पुरानी बिल्डिंग, पता नहीं कितने साल पुरानी बिल्डिंग है वो। सही में यार बहुत मस्त है यार। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, कुछ निकलेगा इसमें से। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ होगा। नेपाली स्कूल है भाई ये बिल्डिंग। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नेपाल में नहीं हूँ, कभी लग रहा है कि यूरोप में हूँ, कभी लग रहा है कि मैं जापान में हूँ, कभी लग रहा है कि मैं चाइना में हूँ। देखिए ना ये लुक, एकदम देखिए ये लुक वाला, एकदम यूरोप का लुक, यूरोप लुक। ये बिल्डिंग यूरोप में ऐसे होती हैं, ऐसी बिल्डिंग लुक। और वो है, वो लुक देख सकते हैं आप, जापानीज लुक। और ये सब नेपाल लुक है ना, और इधर फिर से जापानीज लुक, और उधर फिर भी जापानीज लुक। क्या बना रखा है इन्होंने नेपाल वालों ने, मैं तो ये सोच रहा था कि ये ऐसी बिल्डिंग बहुत पुरानी बिल्डिंग होती हैं, अब नई नई बनती है, लेकिन वो लोग नई बिल्डिंग बना रहे हैं बिल्कुल पुराने स्टाइल में। और ये भी इधर भी नई बिल्डिंग बन रही है बिल्कुल, ये भी हो सकता है पुराने स्टाइल में ही बनाएंगे। और इधर ये क्या है भाई, इधर फिर ये यूरोप, यूरोप का लुक आ गया ना बिल्डिंग में। उधर चलते हैं, उधर शायद पुरानी बिल्डिंग हो सकती है, उधर देखेंगे।
हैं बिल्कुल, ये वास्तव में मुझे लग रही है बहुत पुराने हैं ये दीवारें। ये लग रहा है ना थोड़ा जापानीज टाइप। अरे घंटा देखो भाई, कितना बड़ा घंटा है रे। आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा घंटा है, एक मिनट रुकिए। कितना अच्छा व्यू है ना। अरे वाह, ये किसकी मूर्ति है? ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की मार्केट में आ चुके हैं। कितनी पतली सी मार्केट है ना। देख रहे हो तारों का जाल, तारों की नगरी है ये तो। गोल्ड शॉप दबा के है भाई, गोल्ड शॉप बहुत दबा के है।